नमस्कार बंधु, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधु, जैसा कि आज का विषय आपको पता है कि कैसे किन्हीं दो लोगों के बीच में शत्रुता कराएं, चाहे वे दोनों आपस में दोस्त हों या प्रेमी हों, आप उनके बीच में लड़ाई करा सकते हैं, शत्रुता करा सकते हैं और उसका लाभ आपको मिलेगा। यदि इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, शत्रुता होती है, तो उसका लाभ आपको मिलेगा, इसलिए आप ये उपाय करेंगे। इससे पहले कि हम बताएं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं पर्सनल में, तो आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन करिएगा, जिसका नाम है कागज पर टोटके, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहां पर जाकर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे व्हाट्सएप में ग्रुप होता है, वैसे ही वे चैनल है, वहां पर आप आएंगे, हमारे पास आपका नंबर आ जाएगा और फिर हम आपको शनिवार इतवार को आपको मैसेज किया करेंगे और आपसे पूछेंगे जो भी आपकी सवाल है। हो सकता है हम पहले ही आपसे सवाल पूछ लें, शनिवार इतवार को आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, आपको उपाय बता दिया जाएगा। तो हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो आपने हमसे इस बार भी हमने जवाब दिए थे काफी लोगों के, शनिवार इतवार को कुछ लोग बच गए थे, तो उनको अगली शनिवार इतवार को जवाब मिल जाएगा। अब सीधा आपको बताते हैं क्या करना है इस उपाय में। आपको एक कागज लेना है, कोरा कागज आप देख रहे हैं, एक ही कागज लेना है और उस कागज को आपको पहले थोड़ा फाड़ना पड़ेगा आपको इसको। और फाड़ने के बाद आपको उसके दो हिस्से करेंगे, जिसमें आप पहले व्यक्ति का, यदि आपको नाम पता है तो आप उसका नाम लिखेंगे, यदि नाम नहीं पता है तो आप उसका चित्र बनाएंगे, उसके बारे में सोचते हुए कि आप उसी व्यक्ति के चित्र बना रहे हैं जिसको आप क्या करना चाहते हैं, लड़ाई कराना चाहते हैं। पहले व्यक्ति का नाम यहाँ पर आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों व्यक्ति पुरुष हो, दोनों स्त्रियां हो, या एक स्त्री है एक पुरुष है, तो आप उस हिसाब से बनाएंगे। यदि पुरुष है तो पुरुष का, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति का नाम लिखेंगे दूसरे कागज पे। और फिर यदि नाम नहीं पता तो आप क्या करेंगे, आप उसकी तस्वीर बनाएंगे, जैसे भी आप बना सकते हैं, या आपने बना दी है उसकी तस्वीर। अब क्या करना है आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको जुराब लेनी है, देख पा रहे हैं यहाँ पे जुराब होती है, आपको उल्टी करके जुराब रखनी है सामने अपने, सीधी नहीं, सीधी होती है तो नहीं, आपको उल्टी करनी है उसको। और ये जो पहले इसका नाम है, आप एक जुराब में डाल देंगे, दोनों में आप एक एक डाल दें, पहली में या दूसरे में। ये उपाय आप करेंगे शुरू सोमवार के दिन ही, सोमवार के दिन रात 9 बजे से लेके 11:30 के बीच में आप इसे शुरू करेंगे किसी भी समय। फिर आप क्या करेंगे, जब आप उसको अंदर डाल देंगे, आपको ऊपर से एक गांठ इसमें बांध देनी है ताकि ये ऊपर से बंद हो जाए, दोनों में एक एक गांठ आप बांध देंगे ताकि ये ऊपर से बंद हो जाए। ये आप देख रहे हैं गांठ बांधी है ऊपर से और बंद हो चुका है। अब क्या करना है आपको, अगले दिन पूरे 24 घंटे हो जाने के बाद, याद रखिएगा 24 घंटे हो जाने चाहिए, 24 घंटे से 1 मिनट भी कम ना हो, एक 24 घंटे से ज्यादा चलेगा, 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मगर 1 मिनट भी कम नहीं होना चाहिए। फिर क्या करेंगे आप, उसी कागज में जो आपने फाड़ा था उसको संभाल के रखना बचा हुआ, उसी कागज पे आप अगले दिन यानी कि मंगलवार को कागज पे लिखेंगे, ओम महा भैरवाय शमशान
शमशान। इधर क्या आएगा? इधर पहले व्यक्ति का नाम आएगा, जो भी उस व्यक्ति का नाम है। यहां आप लिखेंगे पहले व्यक्ति का नाम, और फिर यहां लिखेंगे विद्वेष कुरुफट। ओम महाभैरवाय शमशान। इधर नाम आएगा पहले व्यक्ति का, फिर इधर विद्वेश कुरुफट, ये लिखना है। अब बात आती है, फिर आप इस कागज को इतना ही फाड़ लेंगे जितना कि आपने, जहां पे आपने इसको लिखा है ऐसे आप फाड़ देंगे इसको। अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन ऐसा करना है आपको, ये आपने फाड़ लिया है। और फिर आप पहले वाले का खोलेंगे जिसमें आपने पहले का नाम लिखा था। यदि आप याद ना रख पाए कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन से में डाला है, तो आप अलग अलग रंग की जुराब ले सकते हैं, इसमें आप डाल देंगे पहले व्यक्ति के। फिर आप इसको बंद करेंगे, फिर बिल्कुल ऐसे ही आप दूसरे व्यक्ति के लिए करेंगे। एक बार फिर बता देते हैं मंत्र, ओम महा भैरवाय शमशान। इधर नाम आएगा दूसरे व्यक्ति का, अमुक होगी जहां दूसरे व्यक्ति का नाम आएगा, फिर लिखेंगे आप विद्वेश कुरु फट। या आप ऐसे लिख देंगे, फिर आप इसको मोड़ेंगे। मंगलवार को ही 24 घंटे बीतने के बाद दोनों जुराबों में आप मंत्र ये डाल के रख देंगे। जब आप ये मंत्र डाल देंगे दोनों में, फिर क्या करना है आपको कि दोनों अपने हाथ में लेनी है और इसको आपको 7 बार मारना है, टकराना है आपस में। 7 बार टकराना है आपस में, किसी भी तरह आप टकरा सकते हैं, ऐसे भी मार सकते हैं या ऐसे भी मारना चाहें, जैसी मर्जी आप करेंगे। अब आपको ये प्रक्रिया, मंत्र वाली प्रक्रिया आपको अगले 5 दिन और करेंगे, तो कुल मिला के 7 दिन का ये उपाय होगा। पहले दिन आप सिर्फ नाम डालेंगे, अगले दिन आप अगले 6 दिन आप क्या करेंगे, मंत्र डालेंगे, तो 7 दिन का ये उपाय हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, जब आप ये कर लेंगे, मंत्र डालेंगे और 7 बार टकराएंगे, और फिर 7 दिन जब पूरे हो जाएंगे, तब आप 8वें दिन इसको क्या करेंगे, ये दोनों जुराबे लेंगे आप। 8वें दिन आपको उसको खोलना नहीं है, 8वें दिन आप ये दोनों जुराबे लेके किसी भी गंदे स्थान पर फेंकना चाहें तो वहां फेंक दीजिए, यदि आप किसी सुनसान जगह पे जाके इसको दबाना चाहें तो वहां फेंक दीजिए, दबा कर आ जाइएगा। और यदि आप इसको शमशान के आसपास इसको दबा कर आए तो सबसे ज्यादा बेहतरीन वही माना जाएगा, शमशान घाट के आसपास इसको आप दफना कर आ जाएं या फेंक कर भी आ जाएं तो चलेगा। जैसे कि हर किसी के पास घर के आसपास शमशान नहीं होता, इसलिए आप इसे गंदी जगह पे भी फेंक सकते हैं और आप इसको किसी सुनसान जगह पे भी दबा के आ सकते हैं। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपको परिणाम दिखेगा कि उन दो व्यक्तियों को जिनका नाम लिखा है आपने, वे कैसे आपस में जानवरों की तरह लड़ना शुरू कर दिया है उन्होंने, और वह अब आपसे आप आपको उससे लाभ मिल रहा है, और वह आपस में एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, चाहे वे दोनों पहले कितने भी सच्चे मित्र हों या कितने भी बड़े प्रेमी हों, ये उपाय करने से वे आपस में लड़ भिड़ेंगे। बंधु, कोई आपका सवाल हो तो कमेंट में लिख के हमसे पूछिएगा, और हमसे पर्सनली सवाल पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़िए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस विषय पे लाभ उठा सकें, और आप चाहते हैं किसी अन्य विषय पर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट पे लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
भविष्य में भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।